स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से हमारे देश की स्थिति अभी बनी हुई है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सभी नागरिकों का मूलभूत कर्तव्य होता है कि हम अपने देश की हर समय और हर स्थिति में उसकी मदद करें या किसी तरह से हमारा कदम नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारे एक कदम से हमारे देश को नुकसान होता हो। जीवन कितनी बार आपको मिल सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर जन्म में आप इसी मातृभूमि को प्राप्त करेंगे। मैं आज से 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ देखा और उसमें मैंने ये फील किया कि अभी जो स्थिति अभी हमारे देश में चल रही है उसमें दो घटनाएं एक साथ होती है। एक घटना होती है जिसमें हमारे 5 जवान एक साथ शहीद होते हैं, फिर उसके आतंकवादियों को मारने के लिए 3 और जवान उसमें शहीद हो जाते हैं। एक दूसरी स्थिति उसी के साथ घटती है जिसमें इंडिया गवर्नमेंट एक थॉट लाती है और वो थॉट में जो शराब की दुकानें हैं उसे खोल दी जाती है। मैंने ये फील किया कि लोग के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक की चीज़ें और लोगों के लिए ये डर नहीं है कि अब परिवार के लोग कोरोना से कैसे बचेंगे, इस महामारी से हमारे घर परिवार की सुरक्षा कैसे मिलेगी। हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इतने महंगे शराब होने के बावजूद हम कैसे उसे खरीदें। इन सभी चीज़ों को भूलकर, इन सभी चीज़ों को दरकिनार कर लोग उस शराब की दुकान पर टूट पड़ते हैं। क्या इस स्थिति में जब आपके पास कोई आय का स्रोत नहीं हो, जब देश इस स्थिति में हो कि देश के दिए गए सहयोग से आप अपना जीवन यापन करते हो, उस स्थिति में क्या आपके लिए नशा ज़्यादा ज़रूरी है या आपका परिवार ज़्यादा ज़रूरी है? क्या उन 5 शहीदों की श्रद्धांजलि ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी जिसे हम लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया, या कुछ लोगों ने उसे ध्यान दिया लेकिन वो घटनाएं कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेंगी और हम उसे धीरे धीरे भूल जाएंगे। ये घटनाएं आज हैं और जो भी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, जो भी घटनाएं हमारे साथ आज घटी हैं, वो इस चीज़ का प्रमाण है कि हम जो नागरिक हैं, हम उन शहीदों के लिए कहीं से भी अपनी श्रद्धांजलि या फिर हम उसके कहीं से भी उसे याद नहीं कर सकते, लेकिन हमारा यह मूलभूत कर्तव्य होना चाहिए कि उन शहीदों ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए उस शहीद को अपनी जान को निशान कर दिया। आज हम फेसबुक या फिर जिससे माध्यम से एक दिन दो दिन उसे श्रद्धांजलि दे देंगे, कुछ समय ऐसा आएगा जब हम उसे भूल जाएंगे, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि जब लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानें खुली तो हम अपने शराब को पीने के लिए, अपने दारू पीने के लिए हम लोग इतने दिन तक लाइन में खड़े थे, इतने घंटों तक खड़े थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस काम को अगर करते हैं तो आप ना करें। आपका अगर नशा का है तो क्या हम बेशक अपने देश के इस नशे को नहीं ले सकते हैं? अगर आपको नशा ही करना है तो देशभक्ति का नशा करें। यह नहीं कहता हूं कि आप बॉर्डर पर जाके लड़ें,
आप जिस काम को कर रहे हैं, जैसे आपका काम क्या है, आपका काम अगर आप किसानी का काम कर रहे हैं तो आप अपने खेत में काम करके देश का सहयोग कर सकते हैं, ना कि आप दारू के दुकान पर भट्टी पे जाकर के खड़ा होकर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सैनिक बनकर ही देश की सेवा करें। हर व्यक्ति अगर हर एक काम को अगर अपने पूर्ण निष्ठा के साथ, अपने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करता है तो जरूर वो एक न एक दिन अपने उस कार्य से देश की मदद कर सकता है। मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी थॉट है और मैं अपने स्टूडेंटों को जैसा भी थॉट देता हूँ वो थॉट मैं आपके साथ हमेशा शेयर करते रहता हूँ। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यति, जो जननी जन्मभूमि है उससे बड़ा धर्म और उससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर आपको इस जन्म में इस मातृभूमि का अगर आप जन्म लिए हो तो आपके ऊपर उस मातृभूमि का कर्ज है और यही समय है कि आप उसे चुका सकते हो। अब कैसे चुका सकते हो ये आप अपने काम पर निर्भर करो। आप देश की कैसे सहयोग कर सकते हो आप अपने बारे में सोच करके देखो। मैं उस दिन के न्यूज़ के देखने के बाद यही फील किया कि लोगों के लिए नशा ज़्यादा ज़रूरी है, परिवार ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब उन लोगों को ये डर नहीं था कि वे कैसे बाहर निकल रहे हैं और उनके परिवार को क्या वो कोरोना की प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या वे सोशल डिस्टेंसिंग को वहाँ मेंटेन किए नहीं मेंटेन हुआ। तो ये चीज़ का प्रूफ है कि हमें कोरोना से कहाँ डर है, लेकिन ये ठीक नहीं है और इससे देश को नुकसान हो रहा है। हमारे एक छोटे से छोटे काम को कर देने पर विश्व में हमारी बेइज्जती होती है, ये हम नहीं सोचते। हम ये सिर्फ सोचते हैं कि हमको अपने से मतलब है। आपको अपने से मतलब होना चाहिए, लेकिन जब बारी देश की हो उस समय आपको अपने देश के बारे में ही सोचना चाहिए। तो मैं सुमेश सिंह अपने चैनल संकल्प अकेडमी प्लस, जिसपे में हम लोग हमेशा की तरह कुछ अच्छे थॉट्स के लेकर के और हमेशा 10th, 9th, 11th, 12th के वीडियोस उस पर आते हैं और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं उस पर। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को, अपने सभी स्टूडेंट्स को, मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले देश को चुनें। आप अपने देश के लिए ही जिए और देश के लिए ही मरें। जय हिंद।